हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पारिजात गार्डन में। आज हम आपसे डहलिया के बारे में, आज मेरे गार्डन में डहलिया खिले हुए हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ये डहलिया के फ्लावर है और इसको हमने ऑनलाइन सीड्स परचेस किया था और उसी से ही हमने ग्रो किया, जिसमें सक्सेसफुली सारे प्लांट निकल गए हैं और फ्लावर भी खिलना शुरू हो गया है। इसमें ये रेड कलर का फ्लावर खिला हुआ है, अभी कलियां भी बहुत सारी आई हुई हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कुछ डहलिया के प्लांट इसमें हमने बस बकेट में लगा दिया है, जिसमें भी बहुत सारी कलियां आ रही हैं हर ब्रांच में। बस कुछ ही दिन में इसमें भी फ्लावर आने लगेंगे। अब देख रहे हैं कितने हेल्दी प्लांट हैं। इन सभी प्लांट को हमने सीड से ही ग्रो किया है, जो ऑनलाइन सीड्स हमने परचेस किया था। काफ़ी सीड्स हमारे इससे ग्रो हो गए हैं। और ये पैंसी है, पैंजी, देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये बटरफ्लाई बैठा हुआ है प्लांट पे। और इसकी भी कई कलर में हमने लगाया है, लेकिन एक ही प्लांट में अभी फ्लावर खिले हुए हैं। एकदम दूर से लगते हैं कि प्लांट पे बटरफ्लाई बैठा हुआ है। और सारे प्लांट में देखते हैं किस कलर के फ्लावर खिलते हैं। और ठंडक के प्रभाव से मेरे गुड़हल के फूल देखिए कितने छोटे छोटे हो गए हैं। थोड़ा धूप मिलेगा तो ये बड़े हो जाएंगे। और कैलेंडोला में भी अभी फ्लावर आ ही रहे हैं। बस इसमें क्या करिए, जो फ्लावर खिल जाएं उनको नीचे से आप कट करके हटा दीजिए, तो वहाँ से नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और ढेर सारे फूल आएंगे। और ये हमारे टमाटर के प्लांट जो कि बीज से ही ग्रो हुए हैं, और इनमें भी बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और फ्रूट्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। ये भी प्लांट देखिए बहुत ही हेल्दी है। मेथी